नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन कई बार सही जानकारी ना होना या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता करने के लिए। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा को लेकर क्या है कानूनी प्रावधान, इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके ध्यान में है तो आप हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और अपने सवाल रखें, हम आपके सवालों का यहां पर जवाब देंगे। मुद्दा आज हमारा है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। तो लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहां पर मौजूद है हमारे साथ अधिवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट के राजेश पटोहा जी, और साथ ही संजीव शर्मा जी, ये भी अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जो बात यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही है, घरेलू हिंसा की बात की जा रही है, घरेलू हिंसा किस श्रेणी में आती है, घरेलू हिंसा है क्या, परिभाषा क्या है इसकी? बिल्कुल, ये जो कानून है घरेलू हिंसा का जो प्रोटेक्शन के लिए वुमन को दिया गया है, घरेलू हिंसा कई छोटे छोटे रूपों में घर में की जाती है महिलाओं के ऊपर। और यहाँ पर जैसे गाली देना, ताने मारना जरूरी नहीं है क्योंकि फिजिकल असाल्ट हो इसमें, और इसमें इकोनॉमिकल अब्यूज़, और भाई कोई सामान है घर का जो स्त्री का हक है, बेटी का हक है, माँ का हक है, वो उसको यूज़ नहीं किया देने जा रहा, और उसको जो ताने मारे जा रहे हैं, कहीं कोई कामकाजी महिला को काम पे जाने से रोका जाता है या उसको अपनी सैलरी को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया देने दिया जाता, तो इस तरह की जो घरेलू हिंसा होती है बड़ी बारीकियों का ख्याल रखा गया है। अच्छा। कि घर में रहते हुए जो महिलाएँ हैं किस किस प्रकार से घरेलू हिंसा का वो फेस करती हैं, और वो सारी इस श्रेणी में आती हैं इसके अंदर। ठीक है, संजय शर्मा जी, घरेलू हिंसा की जो महिला शिकार होती हैं कौन कौन इसकी शिकायत कर सकता है? देखिए, इसमें कानून में क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी महिला, चाहे वो उसके साथ किसी शादी का संबंध हो उनका या कोई सिर्फ साथ रहने का संबंध हो, वो उस अगर कभी भी किसी प्रकार की घरेलू हिंसा सहन करती है या फेस करती है तो शिक वो अपनी कंप्लेंट वहाँ पर कर सकती है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो यानी ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि शादीशुदा ही होना चाहिए, अगर वो आपके साथ लिविंग में भी रह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्या जैसे मारा पीटा जाता है कई बार, क्या यही घरेलू हिंसा में आता है, या फिर जो मानसिक प्रताड़ना एक होती है जैसे कई बार होता है कि ताने मारे जाते हैं या फिर कुछ और, ये भी घरेलू हिंसा में आता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि घरेलू हिंसा की डेफिनेशन जो इसकी परिभाषा इस एक्ट में दी गई है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी विस्तार में दी गई है। तो वो ना सिर्फ उसको मार पिटाई या उसके साथ कोई फिजिकल वायलेंस है उसी को इंक्लूड करते हैं, बल्कि इसमें कोई ताने मारना या किसी भी प्रकार का उसको प्रताड़ना करना, चाहे वो फिजिकल अब्यूज है चाहे इकोनॉमिक अब्यूज है, तो वो किसी भी प्रकार का उसके साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। सर, हम बात करते रहेंगे लेकिन यहाँ दर्शकों की भी सुननी है, तो इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जबलपुर से योगेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते आदरणीय जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ की 406(4) में क्या पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, कि मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है? 406(4) देखिए, है तो नॉन विलेज हमारे ऊपर कंप्लेन किया गया है, मैं जबलपुर का हूँ और दिल्ली के लोग हैं करने वाले। अच्छा, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये मुकदमा दायर करवाया? हाँ, शादी भी नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं कि आपने वो लिया, मतलब दहेज लिया है। अच्छा, चलिए ठीक है, जान लेते हैं, आपके सवालों का जवाब दे देते हैं राजेश जी। ये अमानत में ख्यानत का मामला है और शादी नहीं हुई है, ये 406 और सेक्शन 4 डोरी प्रोबेशन एक्ट का मामला है।
ये नॉन वेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। उसके अलावा इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2014 में, तो उसके अनुसार जो है जो 7 साल तक की सजा के जो मैटर है जिसमें सजा का प्रावधान है उसमें जो है पुलिस अगर जरूरत है तो अरेस्ट करती है, अदरवाइज वो नोटिस देती है और उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाएगी और आपकी जो प्रेजेंस है वो सिक्योर करने के लिए और आगे उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं योगेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा, शुक्रिया आपका हमारे आपको आपका हमें कॉल करने के लिए। तो दर्शकों से हम कहना चाहेंगे बात आज की जा रही है डोमेस्टिक वायलेंस पर, घरेलू हिंसा पर, इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है आप बेझिझक हमें कॉल करें, टेलीफोन नंबर आपके सामने है। मैं यहाँ घरेलू हिंसा के बारे में बात कर रहा था तो राजेश जी एक चीज एक सवाल और यहाँ पर मन में आता है कि कई बार जब भी घरेलू हिंसा का मामला सामने आता है कई बार महिलाएं हिचकिचाती हैं, पुलिस के पास नहीं पहुँचती हैं और पुलिस की तरफ से भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, पुलिस की क्या भूमिका होती है ऐसे मामले? देखिए ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इसमें इन सब बातों का बड़ा ख्याल रखा गया है। जरूरी नहीं कि आप पुलिस को आप अप्रोच करें, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं और कुछ एनजीओज वगैरह हैं उनको जो है राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है कि वो एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर काम करें। तो महिलाएं जो हैं, महिलाएं भी नहीं उसके अलावा कोई व्यक्ति जिसकी नॉलेज में ऐसा है कि आसपास कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो सूचना दे सकता है, जिसके आधार पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो उस महिला से मिलके और जो उसके अधिकार क्या हैं कानूनी अधिकार वो बताएंगे और उसकी तरफ से एप्लीकेशन वो कोर्ट में दायर कर सकती हैं और उनको अगर कोई मेडिकल अगर कोई सर्विस चाहिए, उनको शेल्टर होम चाहिए, वो सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में गहराई समझानेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं संगम नगरी से, सतकंद बहादुर जी क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, आपका क्या सवाल है? हाँ सर बताइए। सवाल यही है सर कि एक मित्र है हमारे, हाँ, और वो बहुत परेशान रहते हैं सर, उनका जो है बीबी जो है पूरा गहना वहना सब लेके सर उनके घर से मायके चंपत हो गई सर, यानी भाग गई सर। अच्छा, उसके लिए सर आप क्या कोई प्रावधान है सर? ठीक है जान लेते हैं संजीव जी, क्या इसके लिए प्रावधान हो सकता है कि बीवी है परेशान कर रही हैं और सारा जेवर वगैरह लेके भाग गई हैं, तो अब ये क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या बचा है? देखिए आपके पास सबसे पहले तो एक पुलिस की सहायता लेने का प्रावधान है कि आप सीधी जाकर के पहले पुलिस में इंफॉर्मेशन दीजिए, सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए, क्योंकि ये मान लो कल को आपके खिलाफ अगर कोई झूठा केस झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उस टाइम पर आप ये अपनी पुलिस की कंप्लेंट का सहारा ले सकते हैं कि आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन पुलिस को पहले ही दे दिया एडवांस में जो भी आपके साथ हुआ है, तो पुलिस आपकी पूरी हेल्प करेगी इसमें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सबसे पहले पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में जैसे राजेश जी ने बताया कि एक अहम किरदार यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर निभाता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ जो पीड़ित हैं वो कैसे मिल सकते हैं, कैसे दरखास्त लगा सकते हैं और कैसे उनकी सुनवाई यहाँ पर करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर? देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो अगर कोई भी महिला या तो आप पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर मिल सकता है, या आप अगर कभी कोर्ट में कोई कंप्लेंट करते हैं तो कोर्ट आपके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर से जाकर के कभी भी किसी भी समय उनका फ़ोन नंबर आपको दिया जाता है, आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं। आप अगर कन्वीनियंट फील नहीं करते उनके पास जाना तो आप उनको अपने घर पर कॉल कर सकते हैं, तो वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जनरली लेडीज़ होती हैं तो दे विल वो आपके घर पर आएंगी, आपके प्लेस पे आएंगे, जो आपसे पूछेंगे आप उसका सही सही जवाब दीजिए, वो आपकी रिपोर्ट बना करके फिर कोर्ट में या थाने में जहाँ भी उनको फाइल करना होता है वो फाइल करते हैं। हाँ, यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर की एक बहुत अहम भूमिका इस पूरे डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी मामले आते हैं उनमें रहती है। ठीक है राजेश जी, घरेलू हिंसा की जो हम बात कर रहे हैं, आप अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर उनके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है या फिर वो प्रावधान जानना चाहते हैं तो बेझिझक टेलीफोन नंबर आपके सामने है, नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए राजेश जी और संजीव जी यहाँ पर मौजूद हैं। राजेश जी मैं आपसे पूछ रहा था कि घरेलू हिंसा की जो बात की जा रही है, घरेलू हिंसा में जो केसेस होते हैं उनमें किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, अगर सामने जैसे बात हो रही थी कि कोई पीड़ित आती है वो बोलती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा यहाँ पर हो रही है, कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है, तो किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है? देखिए उसको एक लिखित एप्लीकेशन जो है इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ देनी होती है,
और उसमें वो विवरण देगी कि किस प्रकार की घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है, कि उसको घर का सामान जो है, जो उसका हक है, वो यूज़ नहीं करने दिया जा रहा, कामकाजी महिला है तो काम पे जाने से रोका जा रहा है, या उसको जो है किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो घर में रहकर भी उसी घर में रहकर वो रिस्पोंडेंट जो जिसके खिलाफ मुकदमा कर रही है वो मुकदमा कर सकती है, और कोर्ट जो है अगर अलग रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ही छत के नीचे बिल्कुल बिल्कुल एक ही छत के नीचे रहते हुए आप इसमें जो है प्रोटेक्शन की दरखास्त लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके का जो प्रोटेक्शन चाहिए, कि आपको किसी प्रकार से रिस्पोंडेंट रोके नहीं, आपको टेलीफोनिकली ना रोके, आपको कहीं आने जाने से ना रोके, इस प्रकार की जो कानूनी सहायता है आप कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और जो कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर संरक्षण देगी आपको अगर उसकी अवमानना अगर रिस्पोंडेंट करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है उसके अंदर। संजीव जी, कैसे किस प्रकार का संरक्षण यहाँ पर मुहैया कराया जा सकता है पीड़ितों को? देखिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो होता है एक तरह से काफी वास्ट ऑर्डर होता है, बहुत अच्छा। बड़ा ऑर्डर होता है अच्छा। तो ये हर चीज को कवर करता है, जैसे आप लड़की किसी घर में रह रही है और उसको लगता है कि ये घर वाले मेरे को किसी भी टाइम आकर के परेशान कर सकते हैं, मैं इस घर में सुरक्षित नहीं हूँ, तो इसमें एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ये भी दिया जा सकता है कि जिस कमरे में या घर के जिस पोर्शन में आप रह रहे हैं तो वहाँ ना आपके पास कोई आएगा, ना आपसे कोई जाकर के वहाँ पर आपको परेशान करेगा। तो अगर कोई भी इस प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन करता है तो इसमें कानून में प्रावधान है कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, FIR रजिस्टर करी जा सकती है। और एक बात और जैसे मन में आती है कि कई बार घरेलू हिंसा के मामले देखे जाते हैं कि शादियां होती हैं वो कई अलग अलग राज्य में होती है, जैसे कोई मध्य प्रदेश का है उसकी उत्तर प्रदेश में जाके शादी हो रही है, कोई पंजाब है उसकी कहीं हरियाणा में जाके ऐसी शादी हो रही है, तो यहाँ पर भी क्षेत्राधिकार का कोई मामला सामने आता है, इसके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं? देखिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो कंप्लेनेंट होती है इसमें, जो इस प्रकार का ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट में जाती है, जो प्रताड़ित होती है महिला, वो कहीं भी जाकर के इसको कंप्लेंट कर सकती है जहां उसको कन्वीनियंट हो, चाहे वो जहां रह रही है वहां, चाहे उसका मैट्रिमोनियल होम जहां उसकी शादी हुई है वहां, तो उसको जहां भी कन्वीनियंट हो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के उसके क्षेत्र के एरिया के हिसाब से मजिस्ट्रेट के यहां अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। लेकिन मामला तो फिर यही आ सकता है ना कि सुनवाई कहां होगी, सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को यहां पर मिलने आना होगा, तो उसके लिए थोड़ी जटिलता हो सकती है? उसके लिए नोटिस जो होगा वो अपोजिट पार्टी को जाएगा, रिस्पोंडेंट्स को जाएगा, और रिस्पोंडेंट्स को वहीं आना पड़ेगा जहां पर उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है। राजेश जी, एक सवाल और यहाँ पर कि सख्ती यहाँ पर कितनी है, मतलब क्या किस तरह की सजा का यहाँ पर प्रावधान है, क्योंकि घरेलू हिंसा हमारे देश में देखा गया है कि सरकारें महिलाओं सशक्तिकरण के लिए काफी यहाँ पर सख्त नजर आती हैं, काफी जागरूक नजर आती हैं, लोगों को भी जागरूक कर रही हैं, और लोगों को ये भी बता रही हैं कि आपके आसपास में ऐसा कुछ होता है तो आप शांत मत बैठिए, खामोश मत रहिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, आप आगे आइए, तो सजा किस तरह की यहाँ पर मुकर्रर की जा सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी संजीव ने भी बताया आपको कि जहाँ शादी हुई है, जहाँ वो रह रही है, इसके अलावा जहाँ वो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर उसका, जहाँ वो काम कर रही है, उसके हिसाब से भी वो जो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बनती है वहाँ पर वो कंप्लेंट कर सकती है, और दूसरी पार्टी को वहाँ आना पड़ेगा। अगर कोर्ट कोई इंटरिम प्रोटेक्शन प्रदान करती है, कोई संरक्षण प्रदान करती है जब तक मुकदमा चल रहा है, अगर उसकी वायलेशन होती है तो उसमें FIR दर्ज होने का प्रावधान है, और उसके अंदर 1 साल की सजा और 20,000 जुर्माने या दोनों का भी प्रावधान है इसके अंदर, और इसमें काफी सख्ती से जो है इसमें कोर्ट जो है इसमें कार्रवाई करती है इसके अंदर। लेकिन एक सवाल मन में काफी आता है, जब भी ऐसे कोई मामले सामने आते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं या फिर केस होता है और कोर्ट का जब नाम आ जाता है तो कई बार लगता है कि ना जाने कितने साल लग जाएंगे, कितने वक्त यहाँ पर लग जाएगा, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबी होती होगी, तो क्या यहाँ पर भी प्रोसेस लंबी रहती है या फिर एक तय वक्त रहता है कि हाँ इस मामले का सुलझाया जाएगा, ध्यान खास तवज्जो दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, कानून जो है इस कानून में प्रावधान दिया गया है कि जो एप्लीकेशन है उसका 60 दिन में निपटारा होना चाहिए, और जो पहली सुनवाई है वो 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर होनी चाहिए, और बस थोड़ा सा न्यायपालिका में जो है जजेस की कमी के चलते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मगर मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है न्याय की जो है गुहार करें, और बिल्कुल आप कोर्ट में जाएँ, और थोड़ा टाइम लगता है मगर आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा इसके अंदर। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें एक इंटरिम ऑर्डर का प्रोविजन भी होता है, तो अगर मान लो कोई आपको लगता है कि आपका केस लंबा चलेगा तो उसमें एक सेक्शन 23 है, उसमें आप एप्लीकेशन लगा करके कोई भी इंटरिम ऑर्डर ले सकते हैं कि जब तक आपका मुकदमा चलेगा तब तक आपको एक प्रोटेक्शन ऑर्डर इंटरिम मिल जाएगा,
जो कि फाइनल डिस्पोजल तक वैलिड रहता है। बहुत शॉर्ट में, वक्त की कमी है राजेश जी, इसलिए बहुत शॉर्ट में, जैसे अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी जेवर लेके चली गई है और इस तरह के मामले आते हैं, तो कहीं पर ऐसा होता है घरेलू हिंसा के मामले या फिर प्रताड़ना के मामले पत्नी की तरफ से भी निकल के सामने आ जाते हैं, तो वहां पर भी सेम प्रोसीजर है या फिर ऐसा कुछ कानून में प्रावधान? ये जो कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, जो कमजोर वर्ग है जिसमें कि बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को रखा गया है, उनके लिए समय समय पर कानून में संशोधन किया गया है। वुमेन को जो है इसके अंदर बेसिकली इस मामले में ज्यादा अबला माना गया है, तो उसमें कानून के लिए स्पेसिफिक एक स्पेशल कानून बनाया गया था ये। और उसके अलावा जो कानून पहले से है वो सबके लिए बराबर है। अगर आपकी पत्नी परेशान कर रही है, पुलिस के पास जाएं, कंप्लेंट करें, आपके पास अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती है तो आप कोर्ट में जाकर कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं इसके अंदर। यानी कानून सभी के लिए समान है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात जो यहाँ पर की जा रही है, अगर आपके आसपास में ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल आप शांत मत बैठिए, आप आगे बढ़िए, कंप्लेंट दर्ज कराइए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार प्रयासरत है और आपका और हमारा भी ये काम बनता है। शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजीव जी आपका भी शुक्रिया, आप जुड़े और आपने लोगों की समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।